सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़। अचानक आई बाढ़ से सेना के कई कैंप को नुकसान। 23 जवान हुए लापता। जवानों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास पर पहुंची ईडी की टीम। दिल्ली आबकारी केस में ईडी की तलाशी। नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में लालू परिवार को जमानत। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी देवी को जमानत दी। 16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद दूसरे राज्यों में उठी मांग। कांग्रेस नेता अजय लल्लू ने सीएम योगी को लिखा पत्र। बिहार की तरह यूपी में भी जातीय जनगणना कराने की मांग। दिल्ली आबकारी केस को लेकर बीजेपी ने फिर किया आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा केजरीवाल के कहने पर हुई वसूली। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया। जयपुर में व्यापारियों और हिंदू संगठन के प्रदर्शन के बाद भारी पुलिस बल तैनात। 3 दिन पहले जयपुर में रोडरेज के बाद 2 समुदाय विशेष में बढ़ा था तनाव। व्यापारियों ने समुदाय विशेष पर लगाया लूटपाट की धमकी का आरोप। एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। तीरंदाजी में आज 1 गोल्ड के साथ अब तक 73 मेडल जीते। जकार्ता एशियन गेम्स में 70 पदक जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। रजौरी में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।